जैन किसान साथियों, आपका जैन नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो सेब के पौधे हैं उसमें कौन कौन से रोग अब फिलहाल आ रहे हैं और उसकी केयर वगैरह में हम क्या सावधानी रखें। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सेब के पौधे हैं और आपको देखने पर काफ़ी स्वस्थ पौधा लग रहा होगा। ये अन्ना वेराइटी है और इधर की बात करें तो ये डोरसेट गोल्डन वेराइटी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, स्वस्थ है, दूर से देखने पर कोई रोग नहीं। तो अभी मैं इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कौन से रोग लग रहा है। दूसरा, जब हमारा छोटा पौधा होता है 6 महीने 7 महीने का, तो उसमें इस तरह का भी समस्या आती है कि ये हमारा ग्राफ्टिंग है और ग्राफ्टिंग से नीचे ये सूट निकल रहे हैं, तो ये भी आपको समय समय पर हटाते रहने हैं। ये रूट स्टॉक में से ये निकल रहा है, इसको आप कट कर दें। ये देखिए, ये इस तरह निकल रहा है। दूसरा एक आता है कि पौधा हम सहारा अगर ना दें, अगर कोई पौधा टेढ़ा हो रहा है और सहारा ना दें तो उसमें किस तरह की समस्या होती है वो भी देखिए। ये देखिए, ये नीचे हो गया, तो इसको हमें लकड़ी का सहारा भी देना है जिससे ये झुक के नीचे ना हो। अब हम आते हैं वहीं पर कि आपको जो पौधा आप देख रहे थे और आपको काफ़ी स्वस्थ लग रहा था, असल में इसमें बीमारी क्या है, ये आप लोगों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए समय समय पर। ये देखिए, ये कीड़ों की संख्या है, ये देखो आप, ये और आपने रोग देखे होंगे अब तक उसमें किसी भी पौधे में, तो उसमें 2-4, 20-30 कीड़े होते हैं मुश्किल से, और इसमें 500-600 कीड़े तक भी हो सकते हैं। होता क्या है, ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं। जैसे आप ये देखें, ये इसमें पहले ये कीड़े लगे, कीड़े लगने के बाद पूरा पत्तियों का रस चूस लिया और पत्तियाँ खुद ही सूख चुकी है, ये आप ही नीचे देखें। तो ये आपको इसकी जरूर आपने पहचान करनी है। ये देखें, ये आराम से इनकी परतों को खा रहे हैं और ये इसको सिर्फ जाल जाल बना के छोड़ देंगे। ये रोग ज्यादातर समय आता है बरसात में और फरवरी मार्च में। ये देखिए, और ये पत्तियों के दोनों तरफ मिलेगा आपको। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि पत्ती ही तोड़ लेता हूँ। ये देखिए, अगर पत्ती को पलटते हैं तो नीचे ये लगेगी। तो किसान साथियों, ये जो रोग हैं इनको आपने समय समय पर ध्यान देना है। ये देखिए, ये ऐसे रोग हैं जो धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएंगे और पत्तियों को सुखा देंगे। ये अब बरसात की वजह से अभी 2 दिन से ज़्यादा देखने को मिला है। ये हमारे वो पौधे हैं जो हमने अब ज़मीन में लगा रखे हैं। किसान साथियों को जो बुक है, अन्ना है, डोरसेट गोल्डन है, हरिमन 99 है, ये वेराइटियाँ हैं और ये हमने ज़मीन में लगा रखी है। ये अब जो बुकिंग चल रही है, जो किसान अगर बुक भी कराना चाहता है सेब के पौधे, तो हमें इन नंबरों पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। तो ये दिसंबर में जाएंगे, नवंबर लास्ट से शुरू हो जाएंगे जाना। तो इनमें भी रोग लग रहा है कुछ पौधों में, हमने आज देखने को मिला। जैसा उनमें था वैसा ही इनमें भी है। तो किसान साथियों, आप समय समय पर अपने बाग का मुआयना करते रहें, पौधे को देखते रहें। ये देखिए, ये पत्तियाँ बिल्कुल जाल बन गया इनका, ये इनको खा गए। ये देखिए, अब आपको ऊपर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें फंगस लग रही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और नीचे देखोगे तो बड़ी स्पीड से खाने लग रहे हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं,
लेकिन ये पत्तियों को बड़ी स्पीड से खा रहे हैं। इसके लिए जो हम दवाई उपयोग कर रहे हैं, फास 40% प्लस साइप्रोमेथ्रिन 4% ईसी, और अगर ये ना हो तो आप एक दूसरी दवा आती है क्लोरोपाइरोफास 50% प्लस साइप्रोमेथिन 5% ईसी, और अगर ये भी ना हो तो आप क्लोरोपाइरोफास का भी इसमें डोज दे सकते हैं। किसान साथियों, कोई चिपको पदार्थ ज़रूर मिलाएं, शैम्पू का पाउच मिलाएं या सिलिकॉन से संबंधित आते हैं मार्केट में वो मिलाएं, जिससे पत्तों के दोनों तरफ चिपक जाएं। ये दवाइयाँ आप उनसे जहाँ से आप खरीद रहे हैं कितना परसेंट में है वो एक बार कन्फर्म कर लें। सामान्यतः 1 से 2 ml के बीच में ही इनका छिड़काव की सलाह दी जाती है, और कुछ जिसमें हैवी डोज है या परसेंटेज ज़्यादा है केमिकल की तो वो कम भी होता है, 1 ml, आधा ml ये भी होता है। तो ये दवाई जब परचेज करें तो आप उनसे कन्फर्म ज़रूर कर लें। तो ये एक जानकारी थी किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।